खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। राजनीति में मुद्दे पुराने कभी नहीं होते, उन्हें बयानों की बौछारों से हमेशा तरोताजा रखा जाता है ताकि वक्त आने पर इस्तेमाल किया जा सके। इन चुनावों में भी ऐसा ही हो रहा है, इसीलिए 5 चरण बीत जाने के बावजूद चुनावों में राजीव गांधी की धमाकेदार एंट्री हुई है। उनके नाम पर चैलेंज दिए जा रहे हैं, दिल्ली के सिख दंगों और भोपाल के गैस कांड को याद किया जा रहा है। इस पूरी रिपोर्ट को आप देखेंगे, समझेंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन पहले 5 हेडलाइंस देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी के चैलेंज पर प्रियंका गांधी ने जवाब दिया, कहा देश ने कभी अहंकार और घमंड को माफ नहीं किया। प्रियंका ने प्रधानमंत्री की तुलना दुर्योधन से की, कहा ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था। प्रियंका गांधी को अमित शाह का जवाब, बोले दुर्योधन कौन और अर्जुन कौन, 23 मई को पता चलेगा। प्रधानमंत्री ने कल कांग्रेस को चैलेंज दिया था, कहा था हिम्मत है तो राजीव गांधी के नाम पर लड़े चुनाव। एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में बोले राहुल गांधी, मैं नरेंद्र मोदी के दिल से नफरत निकालकर प्यार डालूंगा। नरेंद्र मोदी जी मुझसे नफरत नहीं करते हैं, नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस से नफरत नहीं करते हैं, जवाहरलाल नेहरू राजीव गांधी से नफरत नहीं करते, नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं। और मेरा काम कांग्रेस के लीडर होते उनके दिल में से वो नफरत निकालने का। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी के दिल में प्यार डालूंगा, बच नहीं सकते मेरे प्यार से नरेंद्र मोदी। मैं चुनौती देता हूँ, आइए मैदान में, उस मुद्दे पर चुनाव लड़िए, देखिए खेल कैसा खेला जाता है। इस देश ने कभी अहंकार और घमंड को माफ नहीं किया है, इतिहास इसका गवाह है, ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था। अगर आप में हिम्मत है तो दिल्ली का चुनाव अभी बाकी है, उनके मान सम्मान के मुद्दे पर आइए दिल्ली के अंदर चुनाव लड़े। इस देश की जनता हर नेता को जवाबदेह बनाती है और आपको भी जवाबदेह बनाएगी। झारखंड के चाईबासा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके नेताओं को कल चैलेंज दिया था, तो आज चाईबासा से 1594 किलोमीटर दूर हरियाणा के अंबाला से उन्हें प्रियंका गांधी ने जवाब दिया। ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था, उन्हें जब सच्चाई दिखाने के लिए भगवान कृष्ण उन्हें समझाने के लिए गए तो कृष्ण जी को भी उन्होंने बंधक करने की कोशिश की। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को यह चैलेंज दिया था कि वो लोकसभा चुनाव के बचे हुए चरण पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर लड़कर दिखाए। अगर आप में हिम्मत है तो दिल्ली का चुनाव अभी बाकी है, उनके मान सम्मान के मुद्दे पर आइए दिल्ली के अंदर चुनाव लड़े, आ जाओ मैदान में। आप में हिम्मत है आइए पंजाब में, उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, देखते हैं जोर कितना बाजुओं में है। झारखंड की धरती से मोदी न सिर्फ दिल्ली और पंजाब की बात कर रहे थे बल्कि भोपाल की भी बात कर रहे थे। राजीव गांधी पर निशाना साधने के लिए प्रधानमंत्री ने भोपाल गैस कांड और वॉरेन एंडरसन का जिक्र भी छेड़ा। आइए भोपाल में उनके नाम पर चुनाव लड़ते हैं। प्रधानमंत्री को प्रियंका गांधी ने अंबाला से जवाब दिया, उन्हें दुर्योधन भी बताया और जवाब देने के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता का सहारा भी लिया। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। नेता अपने विरोधियों की बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, इसलिए प्रियंका गांधी को जवाब देने के लिए पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से अमित शाह भी गरजे। राहुल गांधी बता दे देश की जनता को, इनके पिताजी के समय में पॉपर्स का घोटाला हुआ था या नहीं हुआ, भोपाल का गैस कांड हुआ था या नहीं हुआ था, अभी अभी
प्रियंका गांधी ने मोदी जी की तुलना दुर्योधन से करी है। प्रियंका जी, देश की जनता तय कर देगी, 23 तारीख को तय कर देगी दुर्योधन कौन है और अर्जुन कौन है, ये 23 तारीख को तय करने वाला। अब ये समझिए कि पांच चरण का चुनाव बीत जाने के बाद राजीव गांधी का नाम कैसे आया। अब जो बचे हुए चरण हैं, उनमें पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश के भोपाल में चुनाव होना है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में हुए दंगों में हजारों सिखों की हत्या कर दी गई थी। तब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और उन पर ये आरोप लगता रहा है कि उन्होंने वक्त रहते सिखों के खिलाफ दंगा नहीं रोका, बल्कि दंगों को जायज ठहराने की कोशिश भी की। कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। इंदिरा गांधी की जयंती पर 19 नवंबर 1984 को दिल्ली के बोट क्लब पर उनकी याद में एक सभा रखी गई थी और उसी सभा में राजीव गांधी ने यह बयान दिया था, इसीलिए सिख विरोधी दंगों को लेकर वो निशाने पर रहते हैं। प्रधानमंत्री जानते हैं कि दिल्ली और पंजाब में चुनाव है, इसलिए वो सिख विरोधी दंगों में राजीव गांधी का नाम लेकर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। दिसंबर 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। यूनियन कार्बाइड के प्लांट से जहरीली गैस लीक हुई थी और उसका मालिक था अमेरिकी उद्योगपति वॉरेन एंडरसन। गैस कांड के चार दिन बाद एंडरसन भारत आया था। भोपाल पहुंचते ही उसे गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन कुछ घंटों तक गिरफ्तार रखने के बाद एंडरसन को छोड़ दिया गया। उस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अर्जुन सिंह थे और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। वॉरेन एंडरसन को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए खुद भोपाल के डीएम की कार गई थी। इसके बाद एंडरसन एक बार भारत से भागा तो दोबारा कभी नहीं लौटा। बहुत से दावे ये कहते हैं कि अमेरिकन एम्बेसी ने वॉरेन एंडरसन को छोड़ने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाया और फिर राजीव गांधी की सरकार ने एंडरसन को छोड़ दिया। 2014 में एंडरसन की अमेरिका में मौत हो गई। इसी वजह से प्रधानमंत्री भोपाल में चुनावों से पहले राजीव गांधी का नाम ले रहे हैं। मैं आपसे पूछूं कि चुनाव कौन से साल में लड़ा जा रहा है, 2019? लेकिन मुद्दे 35 साल पहले की घटनाओं को बनाया जा रहा है, ऐसा क्यों? मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो रहा है, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच हो रहा है, लेकिन मिसाल महाभारत के किरदारों की दी जा रही है। अरे अच्छा होता कि हमारे नेता मौजूदा वक्त या फिर आने वाले समय की बात करते। मास्टर स्ट्रोक इन सभी नेताओं के लिए है, ज्यादा पीछे मत जाओ, आगे की राह दिखाओ।